हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संजय पेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैंने तो रिसेंटली ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है फ्रेंड्स, संजय पोल्ट्री एंड पेट फार्मिंग से संजय पेट वर्ल्ड किया है, छोटा नाम रखा है। और ये देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने घर शिफ्ट किया है। अभी ये पहले बालकनी अपना अलग था, अभी दूसरा बालकनी लिया है। अभी ये फ्रंट का बालकनी है हमारे पास में, देख सकते हैं। ये देखिए नीचे का व्यू देखिए। और इसमें हमने जो फिश को ऐसे ही रखा है, क्योंकि इसमें जो एक्वेरियम में फिश था वो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। और इसमें पता है आपको बलून मोली के बच्चे हैं, और ये हमारी बलून मोली और उसके कुछ बच्चे हैं इसमें भी। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बेबीज हैं कुछ कुछ, 5-7 के आसपास, 5 के आसपास में हैं। तो हम इसका भी हल्का फुल्का पानी चेंज करेंगे और ये सबको हम एक्वेरियम में शिफ्ट करेंगे। तो एक्वेरियम का पहले हमें थोड़ा सफाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ये देखिए एक्वेरियम बहुत गंदा हो चुका है, तो इसका पहले सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों के पानी का भी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी बहुत नीचे गंदा हो चुका है। और इसमें 30 के आसपास में बच्चे हैं, तो सबका ध्यान रखना है हमें। तो कल तो मेरे को टाइम नहीं मिला, कल पूरा दिन घर शिफ्टिंग में लग गया, और आज ये टाइम मिला है तो मैं अपनी फिश पे ध्यान दूंगा। तो चलिए पहले तो इससे शुरुआत करते हैं हम। पहले तो इसका ही हम पूरा सेटिंग करके इसको नए टेबल पे रखेंगे हॉल में। पहले अलग टेबल था, अभी इसके लिए थोड़ा अलग टेबल है मेरे पास में, उस टेबल पे रखेंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए पहले तो इसको हटा लेते हैं एक साइड में, देख सकते हैं पूरा नीचे गंदगी है, फिश का पोटी है। और ये हमारे स्टोन्स है जो एक साइड में आ गए हैं पूरा। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में इसका डैमेज वगैरह तो नहीं हुआ है, वो सब चेक करने के बाद इसमें हम सफाई करके पानी भरेंगे अच्छे से। तो चलिए पहले तो ये मैं सब स्टोन निकाल लेता हूँ। स्टोन निकालने के लिए मेरे पास में बकेट है, तो ये देखिए अपना पुराना बाल्टी है छोटा वाला, इसमें ही हम डाल के इसको अच्छे से धोएंगे। तो इसके अंदर ही रख लेता हूँ मैं, अंदर ही रख के हम स्टोन्स को निकाल लेंगे। ये हमको नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये हम इसमें ही डाल देंगे। ये देखिए ये हमको अभी नहीं चाहिए है, क्योंकि इसको सफाई करने जाएंगे तो ये डैमेज हो सकता है। तो देखिए ये बहुत प्यारा लगता है मेरे को, ये मेरे को गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट बोले तो फ्री में मिला है। तो चलिए ऐसे करके मैं सब स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, ये बहुत ठंडी हो जाएगी और आप लोग भी कवर हो जाएंगे। तो ये देखिए इधर ले आया हूँ मैं वॉश बेसिन में, सबको हमको निकाल लेना है और अच्छे से धो लेना है इनको। तो अभी वॉश नहीं हुआ है, मैंने हल्का पानी डाल के रखा है इसमें, तो वॉश करने के लिए हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉश करने के लिए नीचे मैंने स्टोन ना चले जाए इसके लिए कपड़ा लगा दिया है। और अभी हम इसमें सब ट्रांसफर कर लेंगे, पहले पानी को निकाल देते हैं इसका, फिर थोड़े से पत्थर लेके इसके ऊपर रखते हैं ताकि ये हिले नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हाँ ये लीजिए, और पहले धोएंगे
धोने के बाद में इनको मैं अभी मोबाइल अच्छा अच्छे से वॉश कर लेता हूँ। इसके ऊपर हल्का सा फ्रेंड ये देख सकते हैं ग्रीन एलगी लगी रहती है, तो हमको ग्रीन एलगी नहीं हटाना क्योंकि हमारे पास मॉलिफिस है वो ग्रीन एलगी को खाती है। ग्रीन एलगी को हमें पूरी तरह से खत्म नहीं करना है फ्रेंड्स, ग्रीन एलगी हमको चाहिए और उसके लिए काफी अच्छी रहती है और ग्रीन एलगी पानी को साफ करने में मदद मिलती है, मदद देती है और उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह भी बनाती रहती है। एक्वेरियम में हल्की ग्रीन एलगी है तो मतलब समझिए आपका वाटर का जो पैरामीटर है वो अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्वेरियम के मैंने ये टेबल है, नॉर्मल छोटा टेबल है, तो ये वाला टेबल सेट कर लिया है। इसके नीचे देख सकते हैं आप, ये मैंने प्लास्टिक का एक कपड़ा प्लास्टिक का एक वो लगा दिया है पेपर, और ऊपर ये नॉर्मल क्लॉथ लगा के, और ऊपर हमने ये थर्मोकोल सीट रख दी है। अभी थर्मोकोल सीट के ऊपर ही हम अपना एक्वेरियम रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्वेरियम को पूरा अच्छे से साफ कर लिया है। पूरा क्लीन करने के बाद में देख सकते हैं पूरा मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, और अच्छे से क्लीन करने के बाद में आपके सामने रिजल्ट है। अभी इसको हम इधर रख रहे हैं, और साथ में ये स्टोन है, ये स्टोन इसमें डालेंगे, लेकिन स्टोन डालने से पहले इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी हम रख लेंगे ताकि ज़्यादा स्टोन से हमको डैमेज ना हो। पानी होना अच्छा रहता है, पानी होगा तो स्टोन से एक्वेरियम के ग्लास टूटने का खतरा कम रहेगा। एक मग और पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए थोड़ा सा पानी भरा है हमने, लगभग एक इंच समथिंग, और अभी हम इसमें स्टोन ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्टोन्स हैं, तो अभी स्टोन्स को हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लेना है और ऐसे ही रख देना है, बस कुछ ही करना है, बस ऐसे ही सबके सब स्टोन को ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिश को उठा लाया हूँ। अभी इसमें से ये हमारे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं ये सब हम इसमें से निकाल लेंगे, और निकाल के आपको दिखाता हूँ ये कितने प्यारे हैं और रियल हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरे रियल हैं ये, और ये मेरे को फ्री में मिल गए थे, जो कि किस्मत इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। तो चलिए हम इनको एक एक करके सजा देंगे और ऐसी जगह पर। देखिए ये दो बचा है, इसके अंदर कोई जीव वगैरह नहीं है, अंदर से खाली है, तो ये भी हम इधर ही रखेंगे। ऐसे रखेंगे कि सबको दिखे। तो लीजिए हमारा सब ऐड हो गया है, और अभी पानी नहीं डाला है, तो पानी नहीं डालने की वजह से ये भी दिख नहीं रहा है। थोड़ा पानी डालने के बाद इनका अच्छा लुक आएगा, आप ऊपर से देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा मोबाइल का फोकस भी इतना अच्छा नहीं है। हम इसमें से पानी निकालेंगे क्योंकि पुराना पानी डालना ज़रूरी होता है एक्वेरियम में, और ये पुराना पानी जितना भी है हम नीचे का गंदगी छोड़ के बाकी सब पानी इसके अंदर हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए इधर उस कोने में मैंने स्टोन नहीं रखे हैं, तो उधर पानी डालने के लिए बेस्ट जगह है, तो हम उधर से ही इसमें पानी ऐड करेंगे पूरा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमको सब पानी उठाना है, हमको गंदगी नहीं उठानी है नीचे के नीचे की, क्योंकि हमें पानी गंदा नहीं चाहिए है।
तो ऐसे ही करके मैं पूरा पानी ऐड कर लेता हूँ, फिर आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको खाते हैं, लास्ट टाइम हमारा ये। तो चलिए, तो बहुत तेज दे रहा हूँ, ये देखिए, तो दो तीन टुकड़े लेके आया हूँ मैं, और हम इसमें ऐड कर देंगे इनको। धीरे से उठाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें कचरा भी ऐड हो, तो हम बहुत ही धीरे धीरे उठाएंगे इनको, बिना कचरा उठाए। तो देखिए, मैंने तीन मॉडल इसको उठा लिया है, जिसे वही में टोटल सेवन पीस है, चार मूली है, दो एंजल है और एक कलर रोटेटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने सब कुछ सेट कर लिया है, तो देख पा रहे होंगे मैंने इसमें भी अच्छा खासा पानी भर दिया है, और इसमें थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। ग्रीन एल्गी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिट्टी वगैरह भी थी, तो पूरा पानी चेंज नहीं कर सकते हम, तो इसके लिए पूरा पानी चेंज नहीं करना था, तो मुझे इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा पानी क्लीन करने के लिए ये स्पॉन्ज फिल्टर लगा दिया है एक, और इसमें लुक भी देखे, थोड़ा इसका लुक भी अच्छा किया है, और डायरेक्ट धूप ना गिरे इसके लिए उस साइड में मैंने पौधों को ज़्यादा लगा दिया है, ताकि डायरेक्ट धूप इसमें ना आए, अगर आती है तो भी थोड़ा फुल्का, तो अभी वो डायरेक्ट धूप इसमें नहीं आ पाएगी, थोड़ा बहुत छाँव रहेगा। और बच्चों को इस कोने में रखा है, और इसका शिफ्ट कर दिया है उस छोटे वाले से एक्वेरियम से इस बड़े वाले टब में मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है, और इसमें 27 बच्चे हैं, मैंने सबको काउंट किया है, तो आप भी वीडियो रोक के काउंट कर सकते हैं, इसमें 27 बच्चे हैं, देख पा रहे होंगे आप सबको। और ये देखिए नीचे का लुक देखिए आप, काफ़ी अच्छा शानदार लग रहा है, और इसमें से कुछ मैंने ऑर्नामेंट्स और स्टोन कम किए हैं, क्योंकि बच्चों को इन सब स्टोन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस पर थोड़ा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़े बहुत स्टोन ऐड करके रखे हैं, तो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया बने रहें, इसके लिए मैंने प्लांट वगैरह भी दिए हैं, इसमें एल्गी वगैरह रहती है, तो ये बच्चे खा लेते हैं इसको, और बाकी इसका पानी थोड़ा सा इसमें भी डाला है, ताकि जो इसमें अच्छे बैक्टीरिया थे वो इसमें भी चले जाएं, और बच्चे को कोई शौक वगैरह ना लगे। तो बच्चे तो हमारे सब हेल्दी हैं, अभी इनको फूड नहीं दिया है, आज सुबह ही फूड दिया था सबको, अभी एक बार में रात में ही उनको फूड दिया जाएगा। तो आपको एक्वेरियम भी दिखा देता हूँ अभी कैसा है लग रहा है हमारा, तो ये एक्वेरियम भी देख लीजिए आप, एक्वेरियम का एक बार लुक देखिए, मैंने थोड़ा लुक चेंज किया है, थोड़ा अलग लुक दिया है, और अभी का लुक काफ़ी शानदार लग रहा है, जो इसके ऑर्नामेंट्स वगैरह मैंने न्यू ऐड किए हैं आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार है ये सब। देखिए इधर देखिए, वो देखिए पीछे की साइड देखिए, और ये वाला देखिए, तो काफ़ी मैंने इन्हेंस किया है इनको, मतलब बढ़ा दिया है, थोड़ा सजा दिया है, और पानी का लेवल थोड़ा कम रखा है मैंने, क्योंकि एक बार से इनका पानी नया सारा फ्रेश वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि पुराना वाटर इसमें लगभग 20-30% ही डाला है, बाकी सब नया पानी डाला है, फ्रेश वाटर डाला है, तो एकदम से इनको सोख ना लगे इसके लिए हम बाकी का वाटर कल डालेंगे, या फिर एक दो दिन रुक के इसमें पानी और ऐड करेंगे, तब तक हम इसी पानी में रहने देंगे, दो दिन बाद में इसमें पूरे पानी में अच्छे बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो दो दिन बाद में हम इसमें और फ्रेश वाटर ऐड कर देंगे। और नीचे हल्की फुल्की एल्गी है, तो देख सकते हैं मोली फिश हमारी एल्गी खा रही है, ये बहुत अच्छी एल्गी ईटर होती है, तो इसमें ज़्यादा एल्गी नहीं लगने देती है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और घर शिफ्टिंग में आप भी ऐसे ही कुछ बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कुछ अपने तरीके से भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्टिंग के टाइम पे कैसे क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।